के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे तो इंदौर की देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए अब न्यू विंग का शुभारंभ किया गया है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल भारत का सबसे आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एकमात्र पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर है, जहाँ पर थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर मरीजों का भी बिना कीमो रेडिएशन और सर्जरी के इलाज किया जाता है। न्यू विंग में विशेष तौर पर कैंसर मरीजों का कंफर्ट जोन में बेहतर सुविधा के साथ इलाज हो सके, इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। साथ ही कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए विश्व स्तरीय आईसीयू से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आधुनिक लैब को भी विकसित किया गया है। डायरेक्टर डॉक्टर अजय हाडिया ने कहा कि इस पद्धति में कैंसर मरीजों के लगभग सभी कॉम्प्लिकेशन को खत्म करके उन्हें राहत देने की कोशिश की जाती है और विदेशों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। हॉस्पिटल के सीईओ मनीषा शर्मा ने कहा कि एक ऐसे लैब की स्थापना की गई है जहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी इंडियन प्लांट्स को मेडिसिन तैयार किए जाते हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल विगत दो वर्षों से कैंसर पेन और पैलेटिव केयर के रूप में काम कर रहा है और आज अपनी सुविधाओं को एक्सटेंशन देते हुए अपने लिए नया विंग बनाया है। इस विंग के अंदर हमने बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज दी है, क्योंकि हमारे पास अब जो हमारे जो पेशेंट्स हैं अब विदेशों से भी आना प्रारंभ हो गए हैं। हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी लैब भी डेवलप की है। उस लैब के अंदर हम खुद ही अपने आप से प्लांट एक्सट्रैक्ट निकाल के मेडिसिन बना रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन का ही रोल मेन है इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में जरूर आएं और हमारा ट्रीटमेंट देखें, क्योंकि इस ट्रीटमेंट से हमने कई ऐसे पेशेंट्स को बहुत राहत दी है, बहुत तकलीफों से उन्हें फायदा पहुंचा।